बॉलीवुड की बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती है। कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आई थी, दिशा बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को डेट कर रही हैं। फैंस को उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही थी, मगर अफेयर की खबरों पर एक्ट्रेस ने कभी हामी नहीं भरी थी। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी एक वक्त में बी टाउन के परफेक्ट कपल माने जाते थे। इनके अफेयर्स को लेकर अक्सर कई बातें होती रही, हालांकि दोनों ने कभी भी इस बात में हामी नहीं भरी। वहीं बीते कुछ महीनों से दोनों के ब्रेकअप की खबरें आने लगी। दिशा पाटनी का नाम किसी और के साथ जुड़ने लगा। हाल ही में एक्ट्रेस को एक पार्टी में देखा गया, जहां उन्होंने उस व्यक्ति के साथ शिरकत की जिसके साथ उनका नाम लंबे समय से जोड़ा जा रहा है। टाइगर श्रॉफ ने कई मौकों पर दिशा पाटनी को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बताया है। यहाँ तक कि करण जौहर ने भी उनसे कॉफी विद करण में दिशा के साथ उनकी केमिस्ट्री पर सवाल किया, लेकिन उन्होंने एक्ट्रेस को तब भी अपना अच्छा दोस्त बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। अब दिशा पाटनी को अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ पार्टी में शिरकत करते देखा गया। एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पार्टी के लिए अंदर जाने से पहले अपने फीमेल फ्रेंड से अलेक्जेंडर का परिचय करवा रही है। इस दौरान वो उनसे कुछ कहती हैं। दिशा क्या कहती है इसकी वॉइस क्लियर नहीं है, मगर उनकी लिपसिंग में लग रहा है कि वो अलेक्जेंडर को अपना बॉयफ्रेंड बता रही हैं। वहीं फैंस ने इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट किए हैं। एक ने लिखा, आखिरकार उसने कबूल कर लिया। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, टाइगर श्रॉफ कोने में खड़े होकर रोते हुए। एक ने लिखा, आखिरकार दिशा को किसी का सहारा मिल ही गया। दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ टिंसल टाउन के बेस्ट पेयर माने जाते हैं। चाहे उनके बीच दोस्ती रही या दोस्ती से कुछ ज्यादा, दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए। कहा जाता है कि दिशा शादी कर सेटल होना चाहती थी, मगर टाइगर फिलहाल शादी के मूड में नहीं थे। इस वजह से दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। बहरहाल एक्ट्रेस के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो पिछले काफी समय से प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर प्रोजेक्ट के यानी कि कल के 2898 को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वुल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।